नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे शरीर के पांच ऐसे तिलों के बारे में जिनका होना आपको बनाता है अत्यंत भाग्यशाली। दोस्तों, ज्योतिष के आधार पर ऐसे मुख्य स्थान है जहां तिल होना अति शुभ माना जाता है। वैसे तो शरीर के अलग अलग हिस्सों पर तिल होने का महत्व शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन उसमें से पांच स्थान जहाँ तिल होना शास्त्रवत अति शुभ बताया गया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन से हैं वो पांच स्थान जहां तिल होना अति शुभ माना जाता है। दोस्तों, पहला स्थान है पैर का अंगूठा। जिन लोगों के पैर के अंगूठे में तिल होता है, ऐसे लोगों को समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ऐसे लोग खुश मिजाज होने के साथ साथ घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। इन्हें थोड़े थोड़े समय में ही कहीं ना कहीं घूमने फिरने का मन करता ही रहता है। ऐसा देखा गया है, अंगूठे में तिल होने से इनके पास धन का आगमन तो खूब होता है, लेकिन खर्चीली प्रवृत्ति के कारण पैसा सेव नहीं कर पाते हैं। जिन महिलाओं के दाहिने पैर पर तिल होता है, ऐसे महिलाएं स्वयं के रखरखाव में ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं। दूसरा स्थान है दोस्तों नाभि पर तिल होना। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, शास्त्रवत अनुसार पेट के अन्य स्थानों पर तिल होना शुभ नहीं माना जाता। नाभि के थोड़े ही ऊपर तिल होने से व्यक्ति को खाने पीने का शौकीन बनाता है, किंतु अगर नाभि के अंदर या नाभि के थोड़ी नीचे साइड की तरफ अगर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति को खूब सारी धन संपत्ति प्राप्त होती है। ऐसे लोगों को श्रेष्ठ मुकाम प्राप्त होते हैं और धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। तीसरा स्थान है व्यक्ति के अनामिका उंगली में तिल होना। जिन व्यक्तियों में अनामिका उंगली पर तिल होते हैं, ऐसा व्यक्ति जीवन में धन और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। अनामिका उंगली के ठीक नीचे तिल होने से व्यक्ति कलात्मक होता है और अपनी बुद्धि और कला के बल पर व्यक्ति धन अर्जित करता है। ऐसे व्यक्ति अपने जुबान के पक्के होते हैं। एक बार इन्होंने जो कह दिया या करने की ठान ली, उसे करके ही छोड़ते हैं और इसी गुण के आधार पर जीवन में यश मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कम उम्र में ही सफलता मिल जाती है और जीवन में जो भी मौके इन्हें मिलते हैं, उन मौक़ों का सही फायदा कैसे उठाएं, इन्हें बहुत अच्छी तरह आता है। चौथा स्थान है जहां तिल होना शुभ माना जाता है, पुरुषों में राइट हैंड के तर्जनी उंगली पर तिल होना और महिलाओं के लेफ्ट हैंड के तर्जनी उंगली पर तिल होना। जी हां मित्रों, जिन व्यक्तियों के तर्जनी उंगली पर तिल होता है, ऐसे व्यक्ति परिपूर्णता से सफलता प्राप्त करते हैं। इनके जीवन में कोई भी धन की समस्या नहीं रहती है। ऐसे लोग अपने कर्म दक्षता के दम पर सफलता पाते हैं और जीवन में भौतिक सुखों को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जिन व्यक्तियों के तर्जनी उंगली पर तिल होता है, ऐसे लोगों के शत्रु भी बहुत होते हैं। इनके शत्रु कुछ इस तरह के होते हैं जो इन्हें सामने से भी चोट पहुंचाएंगे और पीठ पीछे भी चोट पहुंचाएंगे। तर्जनी उंगली में तिल होने से जीवन में कई बार शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपके तर्जनी उंगली में तिल हैं तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है। मित्रों, बात करते हैं पांचवें स्थान के बारे में। पांचवा स्थान है दोनों भवों के बीच तिल होना। शास्त्रवत अनुसार दोनों भवों के बीच तिल होना अति शुभ माना जाता है। जिन व्यक्तियों के दोनों भवों के मध्य में तिल होता है, ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। इनका भाग्य उदय कई बार विवाह के पश्चात भी देखा जाता है। भवों के बीच में तिल होने से विवाह के पश्चात व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत ही सुख समृद्धि पाता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में परिपूर्णता से धन धान्य बना रहता है। इस जगह तिल होने से स्वयं के दम पर अपना बिजनेस व्यवसाय शुरू करने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी मेहनत करते हैं, भाग्य इनका परिपूर्णता से साथ देता है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके शरीर में कोई तिल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद।